वेलकम टू सोनियाज किचन। आज जो हम आपको दिखाएंगे वो टोटली डिफरेंट चीज दिखाएंगे। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी पालक कैसरोल, स्पिनच कैसरोल या पालक कैसरोल, जिसमें हमको लगते हैं ये देखिए पालक, जिसको हमने एक टमाटर और दो कलियां लहसुन के डाल के इसको बॉईल करके रखा है। इसको हम हल्का सा सोटे करेंगे बटर के साथ बस, और एक चम्मच डालेंगे इसमें क्रीम। सेकेंड स्टेप हमारा आएगा राइस। राइस को हमने बॉईल करना है, जो मैं आपको साथ ही साथ में स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी। चलिए पहले हम सोटे कर लेते हैं पालक। थोड़ा सा हमने डाला है इसमें, दो चम्मच डाला है ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे पालक, जिसमें टमाटर भी है एक और दो कलियां गिन के लहसुन की डली हुई है। दैट इज ऑल। और नमक डाला हुआ है। ये देखिए इसको हमने करा है सॉटे थोड़ा सा सिर्फ ऑयल के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। दैट इज ऑल। जब तक ये सिमर हो रही है इसको टाइम लगेगा, हम इसको थोड़ा धीमी आंच पे इधर रख देते हैं। और यहां हम करते हैं अपने मशरूम सॉटे। मशरूम सॉटे करने के लिए हमें लगेगा बटर। हम पहले इसमें डालेंगे बटर। ये देखिए दो चम्मच इसमें मैंने डाला है बटर। हमारी पालक बहुत अच्छे से सिमर हो रही है ये देखिए, और इसको धीमी आंच पे रखते हैं हम ताकि ये अच्छे से सिमर हो जाए, एक जान बन जाए क्रीम और पालक की। ये हमारे आ गया, हमारा बटर मेल्ट हो गया। मेल्टेड बटर के अंदर हम डाल देंगे अपने ये कटे हुए मशरूम्स। ये देखिए ये डाल दिए मशरूम। इसको सीजन करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ये आ गया सॉल्ट, ये आ गया हमारा पेपर। दैट इज ऑल। ये देखिए इसको हम सिमर करते छोड़ देंगे। ये देखिए हमने ये एक ग्लास चावल भिगा के रखा था, और ये हमारा है बाउल जिसमें हमने इसको कुक करना है। हमने इसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल। टू टीस्पून ऑफ ऑयल, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हल्का सा जीरा। जीरा डालने के बाद ये जब तक स्प्लिटर होता है जीरा, देखिए इसमें जीरा डला है, जब तक ये अच्छे से स्प्लैटर होता है। इसके स्प्लैटर होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। और चावल में एक ट्विस्ट देंगे हम इसमें। एक ग्लास चावल है ये, इसको ट्विस्ट हम करेंगे, इसको सीजन के साथ की जो सीजनिंग है इसमें डालेंगे हम सॉल्ट
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम आमचूर। ये देखिए, ये आमचूर, और डलेगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। दैट इज ऑल। ये हमारे चावलों का ट्विस्ट है, और इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि ये पक जाए अच्छे से। इसमें डल गया है पानी। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये चावल पक जाए। और यहाँ देखिए हमारी पालक कितनी बढ़िया हो रही है। ये थोड़ी सी और इसको हम थिक करेंगे, ये थिक हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे पक गए राइस, और बिल्कुल दाना दाना चावल है मेरा ये बिल्कुल से। ये हमारी पालक है, ये मशरूम है, ये हमने ऊपर से चीज जो गार्निशिंग के लिए डालनी है, प्लस वी हैव टू डेकोरेट विद स्लाइसेस ऑफ टोमेटोज। आइए हम इसको लेयर करते हैं। ये देखिए, ये हमने नीचे बिछाना है, इसका बेड लगाना है चावल का। चावल का लगाएंगे हम बेड। पालक, पालक की जो सॉस बनी हुई है ये हमने डाल दी है। ये देखिए, ये सिर्फ सेंटर सेंटर में पालक आएगी। ये देखिए, देखा, ये आ गई हमारी पालक। अब लगेंगे हमारे मशरूम्स। ये देखिए मशरूम सॉटेड क्या बढ़िया हुए हैं। लगाना है बिल्कुल किनार किनार साइड में, बिल्कुल इस डालेंगे चीज। ये देखिए, ये आ गई चीज। इसके ऊपर से हम लगा देंगे टमेटो स्लाइसेस। बढ़िया हो गया ये हमारा। अब ये देखिए हमारा अवन जो है हमने प्री हीट करके रखा हुआ है, इसमें हम ही अपनी डिश लगाएंगे। हमने लगानी है नियरली 10 टू 12 मिनट्स प्री हीटेड अवन में। ये देखिए, ये रखा 10 मिनट के लिए, हम इसको छोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे डिश बनी।